रिव्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्ष अंसारी। आइए देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। फहमान संग स्क्रीन पर रोमांस करती नजर आएगी सुम्बुल तौकीर खान, प्रियंका अंकित की जोड़ी को देगी टक्कर। बिकनी स्टाइल ऑफ शोल्डर टॉप से निया शर्मा ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा। अभिनव पर फूटेगा अक्षरा का गुस्सा, अभिमन्यु से शादी के लिए मना करेगी आरू। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। फरहान खान संग स्क्रीन पर रोमांस करती नजर आएगी सुम्बुल तौकीर खान, प्रियंका अंकित की जोड़ी को देगी टक्कर। जी हाँ, टीवी एक्ट्रेस में कई ऐसे जोड़ियां हैं जो अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से फैंस को खुश कर देती हैं। जी हाँ, इस लिस्ट में इन दिनों प्रियंका चाह चौधरी और अंकित गुप्ता का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, जिनका हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है। जी हाँ, इसे फैंस द्वारा काफी पसंद किया गया है। लेकिन अब अंकित गुप्ता और प्रियंका चौधरी की जोड़ी को टक्कर देने सुम्बुल तौकीर खान और फरहान खान स्क्रीन पर लौटने वाले हैं। दोनों एक साथ सीरियल इमली में नजर आए थे। इस सीरियल में दोनों की केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद किया गया था, लेकिन अब दोनों एक म्यूजिक वीडियो में एक साथ नजर आने वाले हैं। जी हाँ, सुम्बुल और फहमान करेंगे म्यूजिक वीडियो। फहमान खान और सुम्बुल तौकीर खान खास दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, लेकिन अब दोनों स्क्रीन पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि सुम्बुल और फहमान एक म्यूजिक वीडियो में साथ दिखाई देंगे और इसके अलावा इसके लिए दोनों ने हाँ भी कर दी है। जी हाँ, मजेदार बात यह है कि दोनों की ये म्यूजिक वीडियो लगभग एक महीने के अंदर फैंस के बीच आ जाएगी। इस वजह से इस जोड़ी के फैंस काफी ज्यादा खुश है। कई फैंस ने एक्साइटेड का कमेंट सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है। जी हाँ, होली पर साथ नजर आए थे सुम्बुल फहमान। जी हाँ, बता दें कि सुम्बुल तौकीर खान और फहमान खान होली पार्टी में एक साथ नजर आए थे। इस दौरान दोनों के ने मिलकर पार्टी में धमाल मचा दिया था। सुम्बुल ने फहमान को खूब सारे कलर लगाए थे। दोनों के ढेर सारे वीडियो सामने आए थे। जी हाँ, जिसमें फैंस का दिल जीत लिया था। इन वीडियोज में दोनों डांस भी करते दिखे थे। सुम्बुल और फहमान की इस दोस्ती ने फैंस का दिल जीत लिया था। बिकनी स्टाइल ऑफ शोल्डर टॉप में निया शर्मा ने फ्लॉन्ट किया अपना हॉट क्लीवेज। जी हाँ, तस्वीर शेयर कर बढ़ाया इंटरनेट का पारा। टीवी जगत की बोल्ड एक्ट्रेस की लिस्ट में अपना नाम शुमार करने वाली एक्ट्रेस निया शर्मा पूरे टीवी वर्ल्ड में अपनी बोल्डनेस और सुपर हॉटनेस के लिए चर्चाओं में छाप रहती है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अत्यंत एक्टिव रहने वाली निया आए दिन अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए कुछ ना कुछ शेयर कर अपने फैंस को खुश करती रहती दिखाई देती है। जी हाँ, ऐसे ही फिर एक बार अपने फैंस को अपने रॉकिंग लुक से शॉक करती हुई निया शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपने लुक लेटेस्ट तस्वीरों को साझा किया है। जी हाँ, इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का लुक इतना हॉट लग रहा है कि उनके फैंस की ये तस्वीर देख मानो पसीने ही छूट गए हो। जी हाँ, और ये वह यही तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती नजर आ रही है। निया की ये हॉट तस्वीर खुद उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई है, जिसमें वो सेक्सी आउटफिट में अपने इन हुस्न का जादू बिखेर रही है। जी हाँ, तस्वीर में निया ने डेनिम को वाइट ऑफ शोल्डर बिकनी स्टाइल टॉप के साथ पहना हुआ है, जो कि उनके सेक्सी फिगर को और भी ज्यादा फ्लॉन्ट करता दिखाई दे रहा है। जहाँ एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को अपने घर की बालकनी में खड़े होकर किलर पोज देते हुए खिंचवाया है। इससे उनके एक्सप्रेशन इतने किलर और हॉट लग रहे हैं कि लोगों को उनसे नजर ही नहीं हट रही है। जी हाँ, बात तो उनके लुक की जाए तो निया ने अपना ये गॉर्जियस लुक बालों में बन, लाइट मेकअप और मैचिंग हील वाले शूज के साथ पूरा किया है, जो उनके इस लुक को बेहतरीन तरीके से पूरा कर रहा है। जी हाँ, इंटरनेट का पारा बढ़ाती दिखी निया शर्मा। जब से एक्ट्रेस द्वारा इन तस्वीरों को शेयर किया गया है, तब से तो मानो लोगों के इस कमेंट पर ही रुक नहीं रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर किया गया है तब से तो मानो लोगों के इस पर कमेंट्स ही नहीं रुक रहे हैं। जी हाँ, लोग उनके इस न्यू लुक की काफी तारीफ कर रहे हैं। फैंस भी उनकी तस्वीरों पर अपने कमेंट्स के जरिए प्यार लुटा रहे हैं और निया के इस लुक को भी उनके हर लुक की तरह काफी पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, निया शर्मा वर्क फ्रंट की बात करें तो अब निया शर्मा के वर्क फ्रंट की तो उन्हें टीवी जगत के कई हिट शोज में देखा जा चुका है। जी हाँ, जिसमें
से 1000 में मेरी बहना है और साथ ही कलश प्रसारित फेमस शो नागिन में भी निया अपना अभिनय दिखा चुकी है जी। और हाल ही में निया को कलश पर आई रियलिटी शो झलक दिखलाचा में भी अपना डांस का हुनर दिखाते हुए देखा गया था। अभिमन्यु से शादी के लिए मना करेगी आरोही, अभिनव पर फूटेगा अक्षरा का गुस्सा। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी का हिट सीरियल जो सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। जी हाँ, इसलिए इस सीरियल के लिए लीड रोल में हर्षद चोपड़ा और कृणाली राठौर नजर आ रहे हैं, जिनकी एक्टिंग ने फैंस को उनका दीवाना बना दिया। जी हाँ, मेकर्स अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी में बवाल खड़ा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि अभिमन्यु अक्षरा का रिजेक्शन झेल नहीं पाता और सड़कों पर भटकता है। जी हाँ, वही अक्षरा अभिनव के साथ कसौली लौट जाती है, लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। जी हाँ, शेफाली के सामने अपना दुख बयां करेगा अभिमन्यु। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अक्षरा अपने कसौली वाले घर की सफाई करने लगती है, लेकिन अभिनव को चीजें ठीक नहीं लगती और वो पिज्जा लेने के नाम से घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु शेफाली के सामने अपना दर्द बयां करता है। वह उसे बताता है कि आज उसे महसूस हुआ है कि वो कितना गलत था। जी हाँ, उससे अक्षरा पर नील और दोनों बच्चों की मौत का इल्जाम लगा दिया। इतना ही नहीं, आज उसने अक्षरा को फिर से साथ रहने की बात करके सारी हदें पार कर दी। ये सारी बातें सुनकर शेफाली भी हैरान रह गई। जी हाँ, अभिनव को अपने मन की बात बताएगी अक्षरा। कहानी में आगे देखने के लिए मिलेगा कि रात तक अभिनव घर नहीं आता और इसी वजह से अक्षरा उसे बाहर देखने जाती है। तब अक्षु उसे बाहर चाय पीते हुए देख लेती है। इस वक्त अभिनव घर जाने के लिए मना कर देता है और तब वो कहता है कि आप इतना कुछ क्यों कर रही है, जब हम दोनों ही पहले जैसे ही नहीं रहे हैं तो घर को क्यों पहले जैसा बना रही है, आप अपने एग्जाम पर ध्यान दीजिए। इस दौरान अभिनव ये भी कह देता है कि मैं आपका नाम का पति हूँ, अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ रहकर मेरा एहसान उतार रही है तो गलत है। जी हाँ, रिश्ता कच्चा होने पर कोशिश काम आती है, लेकिन सच्चे रिश्ते में कुछ नहीं करना होता। अभिनव की ये बातें सुनकर अक्षरा भड़क जाती है और उस पर चिल्ला पड़ती है। आरोही को सब सच बताएगा अभिमन्यु। जी हाँ, रिश्ता क्या कहलाता है मैं आगे देखने को मिलेगा कि अभिमन्यु भी सारी बातें आरोही को बता देता है। वो कहता है कि आज मैं मंदिर में अक्षरा से मिला था और मैं इसलिए तुम्हें ये सब बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कई गलतियाँ की हैं और नहीं करना चाहता हूँ। इस सारी बातों को सुनकर अब आरोही भी एक फैसला लेगी, वो इस सगाई के लिए मना कर दे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।